हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड डे टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। तो जैसा कि हम डेली यहाँ मिलते हैं एंड हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लेटेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं डेट वाइज डेली। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे 25 फरवरी के करेंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज MCQ। ओके, सो प्रज्ञा दिस साइड, विदाउट वेस्टिंग आ मच टाइम, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए आते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं आज हमारा पहला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। तो आर क्वेश्चन ऑफ द डे इज, अकॉर्डिंग टू द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफर वीजा फ्री एक्सेस टू इंडियन सिटीजन्स। हमारा सीधा सा सवाल है कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसे किस नाम से जाना जाता है। पासपोर्ट की एक रिपोर्ट आती है, एक लिस्ट जारी होती है, ठीक है, इसे जाना जाता हेनले नाम से। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है, अ लिस्ट ऑफ पासपोर्ट्स। 2024 की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्ट के बेसिस पे आप बस इतना बता दीजिए कि टोटल कितनी कंट्रीज हैं जिन्हें वीजा फ्री एक्सेस दिया गया है कि वो विदाउट वीजा वहां के सिटीजन्स इंडिया में ट्रेवल कर सकते हैं। चलिए, और इसी का रेसिप्रोकल भी वर्क करेगा इस पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं हमारी वो भी वीजा फ्री ट्रेवल को एक्सेस कर सकते हैं कहाँ पे, इन पर्टिकुलर कंट्रीज में। चलिए आते हैं हमारे ऑप्शंस पे। ऑप्शंस हमारे 120 कंट्रीज, 85 कंट्रीज, 62 कंट्रीज, 100 कंट्रीज, या फिर फिफ्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। देखते हैं पहले हमारा आज का सही जवाब क्या है। सो आर करेक्ट आंसर इज 62 कंट्रीज, अर्थात वो सभी इंडियन सिटीजन्स जो पासपोर्ट कैरी करते हैं, पासपोर्ट ओनर्स, वो विदाउट वीजा, बिना वीजा के इन 62 कंट्रीज में फ्री ट्रैवल, फ्री एक्सेस कर सकते हैं, जिसे कि शॉर्ट में वी कॉल वीजा फ्री एक्सेस। क्लियर है इतना? अब देखिए, ये जो 2024 की हमारी एडिशन आई है हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट की, पब्लिश हो चुकी है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस एडिशन के अकॉर्डिंग इस इंडेक्स में फ्रांस ने टॉप किया है। इस बारे में हम हमारी लास्ट सेशंस में बात भी कर चुके हैं कि फ्रांस ने, मैं दोबारा लिख देती हूँ, फ्रांस ने टॉप किया है इस इंडेक्स में, और फ्रांस ने सिक्योर की है टॉप पोजीशन इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। क्योंकि फ्रांस का जो पासपोर्ट है ना, जिन भी सिटीजन के पास है, जिन भी लोगों के पास फ्रांस का पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट उन्हें ग्रांट करता है कि वो वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं टोटल 194 कंट्रीज में। देखिए, भारत के सिटीजन्स वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं 62 कंट्रीज में, बट यहाँ नंबरिंग फ्रांस की कितनी ज्यादा है, 194 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है क्या, फ्रांस का पासपोर्ट। सो फ्रांस ने इस लिस्ट में टॉप किया है। इंडिया आई है हमारी एक रैंक नीचे, 85th रैंक पे आ गई है। लास्ट ईयर जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया की रैंक थी 84th, अब इंडिया हमारी खिसक कर आ गई है 85th रैंक पे। पाकिस्तान अपनी उसी पोजीशन पे, 106th रैंक पे है पाकिस्तान, इस साल भी सेम पोजीशन पे है। बांग्लादेश है 102 पोजीशन पर आ चुका है इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। क्लियर है इतना? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। हमारा सवाल है अपॉइंटमेंट रिलेटेड, रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट हुई है किसकी पोस्ट पे, जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे किसकी, कोटक महिंद्रा बैंक के। 5 ऑप्शंस हमें प्रोवाइडेड हैं, पॉल परमबी, मिलिंद नागुर, देवांग घी वाला, केवीएस मनियन, या फिर शांति एकम्बरम। चलिए देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज डी, केवीएस मनियन। देखिए, हमारा जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसके करंट सीईओ का नाम है अशोक वसवानी। अशोक वसवानी जी करंट सीईओ है किसके, कोटक, कोटक बैंक की बात हो रही है ना, कोटक महिंद्रा बैंक, और हेडक्वार्टर्स है इसके मुंबई में। अब ये जो केवीएस मेनियन है, ये जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट कर लिए गए हैं, और इनकी जो वर्किंग स्टार्ट होगी वो 1 मार्च से स्टार्ट होगी। क्लियर? अभी ये वर्किंग प्रोसीजर इनका स्टार्ट नहीं हुआ है, ये इस पोस्ट पे काम करना 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट हुई है किसकी, शांति एकम्बरम, मिस्टर शांति
एकम्ब्रम की अपॉइंटमेंट हुई है, ये इन ऑप्शंस में भी इनका नेम गिवन था। शांति एकम्ब्रम को अपॉइंट किया गया है डिप्यूटी एमडी की पोस्ट पे, ठीक है, ये कोटक महिंद्रा बैंक की बात हो रही, कोटक महिंद्रा बैंक की डिप्यूटी एमडी की पोस्ट पे किसे अपॉइंट किया गया है, शांति एकम्ब्रम को, और इनका वर्किंग भी मार्च 1 से, 1 मार्च से स्टार्ट होगा। क्लियर? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा बैंकिंग रिलेटेड सवाल है और हमसे पूछ रहा है कि विच बैंक हैज बीन ऑथोराइज टू कलेक्ट रेवेन्यूज ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। देखिए हर सरकार अपना एक बैंक निर्धारित करती है जो जितने भी प्रकार के रेवेन्यूज हो, चाहे वो डायरेक्ट रेवेन्यूज हो या फिर इनडायरेक्ट रेवेन्यूज हो, उन्हें कलेक्ट करने का काम करता है वो बैंक। अब हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि किस बैंक को ऑथोराइज कर दिया गया है, मतलब कंफर्मेशन दे दी गई है कि यही पर्टिकुलर बैंक सारे रेवेन्यूज कलेक्ट करने का काम करेगा बंगाल की, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के। तो यहाँ में 5 ऑप्शंस हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक या फिर बंधन बैंक। ओके सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की, जो कि हमारा रिचुअल रहता है हमारे सेशन का। एक्सिस बैंक के करंट सीईओ अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी करंट सीईओ है किसके, एक्सिस बैंक के, और हेडक्वार्टर्स है एक्सिस बैंक के मुंबई में। क्लियर? सेकंड ऑप्शन हमारा आता है लिस्ट में, आईसीआईसीआई बैंक के करंट सीईओ है संदीप बख्शी, इसके हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में है आईसीआईसीआई बैंक के। नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक के करंट सीईओ का नाम है सुमंत कटपालिया, और इसके हेडक्वार्टर्स भी हमारे मुंबई में है इंडसइंड बैंक। देन हमारा आता है यस बैंक, यस बैंक के सीईओ का नाम है प्रशांत कुमार, और सेम वाइज इसके हेडक्वार्टर्स हमारे यस बैंक के हेडक्वार्टर्स भी हैं मुंबई में। क्लियर? देखिए बंधन बैंक के बारे में मैं करेंटली अभी नहीं बता रही हूँ स्टैटिक पॉइंट्स, ये हम आगे एक्सप्लेनेशन में जान लेंगे। बंधन बैंक यहाँ हमारा है करेक्ट ऑप्शन, और बंधन बैंक के बारे में हम अगर फर्दर डिटेल में बात करें तो ये एक प्राइवेट लैंडर है, प्राइवेट लैंडर, प्राइवेट बैंक है ये, जो कि है हमारा फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। और इसे ऑथराइज किया गया है कि ये वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा जो भी टैक्सेस का कलेक्शन किया जाता है, मतलब जितने रेवेन्यूज है, जितने टैक्स का कलेक्शन किया जाता है, या जो नॉन टैक्स रिसिप्ट हैं, उन सभी को कलेक्ट करेगा। उन सभी के कलेक्शन का काम कहाँ किया जाएगा, बंधन बैंक के थ्रू किया जाएगा, बंधन बैंक के बिहाफ पे किया जाएगा। क्लियर? और ये कलेक्शन बंधन बैंक कैसे करेगा, इट विल बी कलेक्टेड थ्रू द गवर्नमेंट रिसिप्ट पोर्टल सिस्टम। देखिए सरकार का एक पोर्टल चलता है जिसे किस नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट रिसिप्ट पोर्टल सिस्टम। जितने भी रिसिप्ट है, टैक्सेस है या फिर नॉन टैक्स रिसिप्ट से इसे कलेक्ट करने के लिए बंधन बैंक इस पोर्टल के थ्रू कलेक्शन करेगा, और इस पोर्टल को इस्तेमाल जितने भी आपको प्रॉपर्टी टैक्सेस अगर अपने भरने हैं, कोई आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, या आपका कोई मोटर व्हीकल टैक्स है, या कोई प्रोफेशनल टैक्स है, देन यू कैन यूज दिस पोर्टल। चलिए बंधन बैंक के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जान लेते हैं। ये हमारा सबसे पहले कब फाउंड हुआ था, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 2015। इसके फाउंडर कौन थे, बंधन बैंक के फाउंडर थे चंद्र शेखर घोष, चंद्रशेखर घोष थे बंधन बैंक के फाउंडर। करेंट हेडक्वार्टर्स है बंधन बैंक के कोलकाता में, कोलकाता वेस्ट बंगाल। करेंट चेयरमैन डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा, और इसके एमडी एंड सीईओ का नाम है चंद्रशेखर घोष, जो कि फाउंडर भी रहे हैं बंधन बैंक के। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, थोड़ा सा लेंदी है पढ़ने में बट इट इज इजी, और ये हमसे पूछ रहा है कि द स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इज टारगेटेड एरियाज, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है श्रेष्ठा, श्रेष्ठा नाम की एक स्कीम स्टार्ट की गई है, ऑफन मेंशन इन द न्यूज, जो कि आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा आ रही है, इसका एम क्या है। देखिए एक स्कीम स्टार्ट की गई है जो कि रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स को, जो कि है हाई स्कूल में पर्टिकुलर टारगेटेड एरियाज के। देखिए टारगेटेड एरियाज
पर्टिकुलरली यहाँ पे उन बैकवर्ड एरियाज को कहा जाता है जहाँ पे जो हेल्प है, यहाँ जो एजुकेशनल नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पाती है डायरेक्टली। तो इसके लिए एक स्कीम स्टार्ट की गई है जिसे नाम दिया गया है श्रेष्ठा। इसका एम क्या है? ऑप्शंस हमारे पास 5 ऑप्शंस प्रोवाइडेड है हमें। प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेड बैकग्राउंड्स। प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज इन रेसिडेंशियल स्कूल्स। प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम एससी कम्युनिटीज फॉर हायर एजुकेशन। फोर्थ, एक्सक्लूसिवली कैटर टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन रेसिडेंशियल स्कूल्स, या फिर नन ऑफ दीज। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। मतलब इस स्कीम को क्यों बनाया गया है, क्या एम है? तो ये प्रोवाइड करेगी स्कॉलरशिप्स जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में बहुत ज्यादा जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं और वो एससी कम्युनिटीज से बिलोंग करने चाहिए, उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, फर्दर डिग्रीज प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम श्रेष्ठा नाम की स्कीम को लॉन्च किया गया है। चलिए कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं इसके। जो हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सीबीएसई, इसने रिसेंटली इशू किया है, एक इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है इस स्कीम के अंदर कि जो ये हमारी रेसिडेंशियल प्राइवेट स्कूल है इसमें ज्वाइनिंग कराई जाएगी। किस स्कीम के थ्रू? श्रेष्ठा स्कीम के थ्रू। मतलब जितने भी हमारे रेसिडेंशियल प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो एससी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो श्रेष्ठा स्कीम के थ्रू ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्कीम प्रोवाइड करती है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें फ्री एक्सेस प्रोवाइड करती है कि बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन लें और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट मैं बार बार आपके आगे ला रही हूँ कि ये स्टूडेंट्स एससी कम्युनिटीज से ही बिलोंग करने चाहिए। एससी कम्युनिटीज हेयर वी कॉल शेड्यूल्ड कास्ट। अब ये इसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेगी ना स्टूडेंट्स को, और एडमिशन दिए जाएंगे तकरीबन 3,000 स्टूडेंट्स को जो कि या तो 9th क्लास में हो एडमिशन या फिर 11th क्लास में हो। मतलब अगर कोई एससी कम्युनिटी का मेरिटोरियस स्टूडेंट है तो अगर वो 8th क्लास में है तो उस स्कीम का फायदा उठा सकता है 9th में एडमिशन लेने के लिए, और 10th में है तो 11th क्लास में एडमिशन के लिए इस स्कीम को एम्पलीफाई कर सकता है। और इस स्कीम के अंतर्गत तकरीबन 3,000 स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब लाइक आई ऑलवेज से, कोई भी नई स्कीम अगर आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होती है, कोई ना कोई एजेंसी या फिर मिनिस्ट्री होती है जो वर्क करती है या इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। सो यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बात आई थी सीबीएसई की। सीबीएसई के करंट हेड कौन है? श्रीमती निधि शिब्बेर, और हेडक्वार्टर्स हैं सीबीएसई के न्यू दिल्ली में। करंट हेड ऑफ सीबीएसई श्रीमती निधि शिब्बेर, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? सीबीएसई के न्यू दिल्ली में। क्लियर? अब देखिए, इस स्कीम को अगर आपको अवेल करना है किसी भी स्टूडेंट को, इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए जो स्टूडेंट्स हो उनके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम होनी चाहिए फ्रेंड्स वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से कम है एनुअल इनकम, तब आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए और सिर्फ वही स्टूडेंट्स इसमें अपियर होंगे, वही कैंडिडेट्स अपियर होंगे जो कि या तो 8th क्लास के हैं या 10th क्लास के हैं फॉर टेकिंग एडमिशन इन क्लास 9 एंड 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी कि लाइक आई ऑलवेज से आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट है, देन वी आर 24/7 अवेलेबल हेयर। आप हम तक आइए, कमेंट करिए, पूछिए। अगर आप क्वेश्चन के फॉर्म में भी हमसे पूछेंगे कि इस पर्टिकुलर सेशन के इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, देन वी विल डेफिनेटली बी रिवर्टिंग बैक, नो इश्यूज रिगार्डिंग इट। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ सेल्फ सब्सक्राइबिंग जर्नी फॉर एनरोलमेंट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है PMJJBY, एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY स्कीम्स फॉर इट्स कस्टमर्स? ओके, सो ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि सीधे से बता दीजिए उस बैंक का नाम जिसने लॉन्च की है एक सेल्फ सब्सक्राइबिंग जर्नी। देखिए, सेल्फ सब्सक्राइबिंग जर्नी का मतलब हमारे पास होता है कि
जो ट्रैक होता है ना, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है किसी भी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को, उसको आसान बनाने के लिए, वो खुद अपने आप को कैसे एनरोल कर सकते हैं किसी सेंटर वगैरह में ना जाए बिना, किन स्कीम्स के अंतर्गत, जो हमारी PMJJBY है और PMSBY है, किस बैंक ने लॉन्च किया है एक नई जर्नी, एक सेल्फ सब्सक्राइबिंग जर्नी। 5 ऑप्शंस हमारे पास है, लाइक ऑलवेज PNB, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। चलिए पहले अपना रिचुअल फॉलो कर लेते हैं, इनके स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। PNB के CEO का नाम है, पंजाब नेशनल बैंक के CEO का नाम है अतुल कुमार गोयल। हेडक्वार्टर है इसके न्यू दिल्ली में, पंजाब नेशनल बैंक की बात हो रही थी। SBI के हेड हैं श्री दिनेश कुमार खरा, हेडक्वार्टर है इसके मुंबई में। देन वी हैव इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO का नाम है अजय कुमार श्रीवास्तवा, अजय कुमार श्रीवास्तवा। हेडक्वार्टर्स है इसके चेन्नई में, इंडियन ओवरसीज बैंक। देन वी हैव पंजाब एंड सिंध बैंक, इसके CEO हैं स्वरूप कुमार साहा और इसके हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में। क्लियर है इतना? देखिए अब ये जो हमारी स्कीम है, जो कि नया सेल्फ सब्सक्राइबिंग जर्नी है, ये स्कीम इनकरेज करेगी कि हमारी जो भारत सरकार है, वो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो कि लाभार्थी हैं, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जिन्हें हिंदी में आप कहेंगे लाभार्थी, सभी लाभार्थियों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी कि वो इन PMJJBY और PMSBY, जो हमारी स्कीम्स हैं, इनकी मैं फुल फॉर्म नहीं बता रही हूँ, ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में, इन स्कीम्स के अंतर्गत कस्टमर्स को ये प्रिविलेज दिया जाएगा कि वो किसी भी कस्टमर सर्विस पॉइंट पे जाए बिना, किसी भी कस्टमर सर्विस पॉइंट पे जाए बिना ही खुद को एनरोल कर सकते हैं। स्वयं सेवा स्टार्ट कर दी गई है, सीधी सी बात है, ठीक। बस अपना वो अकाउंट नंबर उनको डालना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, कहाँ पे, जन सुरक्षा पोर्टल पर। आप जाइए जन सुरक्षा पोर्टल पे, अपना अकाउंट नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं, उसके बाद बैंक सेलेक्ट करिए और इंस्टेंटली एक सर्टिफिकेट आपके नाम का जारी हो जाएगा और आपको प्रीमियम पेमेंट कर दी जाएगी। क्लियर? अब यहाँ ये दो स्कीम्स का नाम लिया गया है, एक तो है हमारी PMJJBY, ये क्या है, एक 1 ईयर कवर है, ये 1 ईयर कवर टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है 1 साल का ये स्कीम, और ये रिन्यूएबल स्कीम होती है ईयर टू ईयर, हर साल इसे रिन्यू कराया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है PMSBY, ये भी एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। अब देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, जब हमारी PMJJBY की बात आती है तो यहाँ पे इंश्योरेंस उन लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है फॉर डेथ ड्यू टू सर्टेन कॉज, कोई पर्टिकुलर कॉज होता है जब, लेकिन जो हमारी PMSBY है ये उन लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है जिनकी डेथ या मतलब किसी एक्सीडेंट की वजह से जिनकी मृत्यु हुई हो, या फिर किसी एक्सीडेंट के चलते वो डिसेबल हो गए हो। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमारा सही जवाब था SBI, मतलब SBI द्वारा जो सेल्फ सब्सक्राइबिंग जर्नी है उसे लॉन्च किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेट हैज अचीव 100% सेचुरेशन इन हर घर जल स्कीम अंडर द सेंटर्स जल जीवन मिशन। देखिए 100% सेचुरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी स्कीम स्टार्ट की गई, अब उस स्कीम को जितने एरिया में लगाया गया, जितने एरिया में उस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया, मानिए वहां 100 घर हैं, उन 100 के 100 घरों में अगर इस स्कीम को फॉलो करने लगे हैं लोग, सरकार द्वारा लोगों को प्रिविलेज प्रोवाइड कर दी गई है, लाभ दे दिया गया है, तब उसे हम कहते हैं 100% सेचुरेशन मिल जाना। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट है जो पा चुका है 100% सेचुरेशन हर घर जल नाम की स्कीम के अंतर्गत। तो यहाँ हमारे पास यहाँ ऑप्शंस हैं, यूपी, एमपी, एपी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान एंड हरियाणा। कुछ स्टैटिक पॉइंट्स
जान लेते हैं। देखिए, यूपी की कैपिटल है हमारी लखनऊ। भाषा प्रयोग में लाई जाती है हिंदी, अवधी, हिंदी एंड अवधी मेन लैंग्वेजेस आप कह सकते हैं। इसके अलावा उर्दू वगैरह भाषा भी प्रयोग में लाई जाती है। देन वी हैव फोक डांस। फेमस फोक डांस कौन सा है यूपी का? फेमस फोक डांस है यूपी का चारकुला, रासलीला। चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ, यूपी के चीफ मिनिस्टर। नेशनल पार्क कौन से हैं? फेमस नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। देन वी हैव एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है हमारी भोपाल। लैंग्वेज प्रयोग में लाई जाती है हिंदी। फेमस फोक डांस कौन है एमपी के? कौन से हैं? जावरा या फिर मटकी। करंट सीएम कौन है? मोहन यादव। करंट चीफ मिनिस्टर है कहाँ के? एमपी के। फेमस नेशनल पार्क्स कौन से हैं मध्य प्रदेश के? कान्हा, टाइगर रिजर्व और सतपुरा नेशनल पार्क। क्लियर है इतना? देन हमारे पास आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हमारी अमरावती। लैंग्वेज बोली जाती है तेलुगु भाषा, प्रयोग में लाई जाती है। फेमस फोक डांसेस कौन से हैं आंध्र प्रदेश के? कोलाट्टम एंड कोलाट्टम एंड भगोटम, और एक और है जिसे मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं जिसका नाम है कुचिपुड़ी। फेमस फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। करंट चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के? वाई एस जगन मोहन रेड्डी। वाई एस जगन मोहन रेड्डी। और फेमस नेशनल पार्क्स कौन से हैं आंध्र प्रदेश के? श्री वेंकटेश वरा नेशनल पार्क एंड मृगवाणी नेशनल पार्क। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। बोली कौन सी बोली जाती है? राजस्थानी। फेमस फोक डांस है यहाँ का घूमर। राजस्थान के बारे में बात हो रही है। करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। फेमस नेशनल पार्क्स ऑफ राजस्थान रणथंबोर नेशनल पार्क और सारिस्का टाइगर रिजर्व। क्लियर है? चलिए, सो हमारा सवाल हमसे देखते हैं क्या पूछ रहा था कि कौन सी स्टेट है जिसने 100% सेचुरेशन पा ली है, जहां पे ये हर घर जल स्कीम सभी घरों तक पहुंचाई जा चुकी है अंडर द सेंटर्स जल जीवन मिशन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ एपी, दैट इज आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश ने रिसीव कर ली है, अचीव कर ली है 100% सेचुरेशन इस घर हर घर जल स्कीम के अंतर्गत, और आंध्र प्रदेश बना है पहला नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट जिसने अचीव किया है 100% सेचुरेशन अंडर दिस स्कीम। देखिए, इस स्कीम में जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट है उसका शेयर कितना रहता था इस स्कीम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। किसी भी स्कीम में हमारी गवर्नमेंट अपना शेयर लगाती है, गवर्नमेंट का बजट होता है इस स्कीम के लिए। तो गवर्नमेंट का बजट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट इस स्कीम के लिए था इतना, एंड आंध्र प्रदेश का स्टेट गवर्नमेंट का बजट था 455.51 करोड़ रुपीज में है ये। ठीक, अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट था इसे कंप्लीट करने के लिए टोटल बजट प्रोवाइड किया गया था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन ये बताता है कि आंध्र प्रदेश के अब हर घर में क्लीन एंड सेफ पाइप्ड वाटर पहुंच चुका है। क्लीन एंड सेफ पाइप्ड वाटर पहुंचाया जा चुका है। ये स्कीम हमारी 2019 में लॉन्च की गई थी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, बेसिकली रूरल एरियाज के लिए। क्लियर? आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन नेम्ड एज द स्टेट आइकन ऑफ पंजाब अंडर द वोटर अवेयरनेस कैंपेन? देखिए,
वोटर अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई है। इस कैंपेन के अंतर्गत इन पांच ऑप्शंस में से कौन से पर्सन है, कौन सी पर्सनालिटी है जिसे कि स्टेट आइकन ऑफ पंजाब का नाम दिया गया है? हरभजन सिंह, युवराज सिंह, गुरु रंधावा, शुभमन गिल या फिर मानव बोहरा। देखते हैं करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन है हमारा एक्सट्रीमली फेमस नाउ डेज शुभमन गिल। देखिए, यंग इंडियन क्रिकेटर हैं ये शुभमन गिल, इन्हें स्टेट आइकन बना दिया गया है फॉर द अपकमिंग, देखिए हाल ही में आने वाले लोकसभा इलेक्शंस के स्टेट आइकन निर्धारित कर दिए गए हैं। कौन? शुभमन गिल। और ये डिसीजन किसके द्वारा लिया गया है? बाय ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पंजाब। क्लियर? देखिए, लास्ट ईयर किसे स्टेट आइकन चुना गया था? लास्ट ईयर राजकुमार राव को चुना गया था स्टेट आइकन। क्लियर? आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन फरवरी 2024 इंडिया फिनिश्ड डैश इन द मेडल टैली विथ 4 मेडल्स इन द 11th एडिशन ऑफ द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024, वाइल्ड डैश कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली विथ 16 मेडल्स। थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल है ये, हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में फरवरी 2024 में इंडिया ने फिनिश किया है, कौन सी रैंक पे, मेडल टैली के कौन सी रैंक पे है इंडिया? इंडिया को मिले हैं 4 मेडल्स जिसमें 3 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, इन द 11th एडिशन ऑफ द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं मेडल टैली होता क्या है। किसी भी एथलेटिक चैंपियनशिप में जब भी डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, हम सबको पता है, अब ये जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं ये कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेडल्स जीतती हैं। जैसे मानिए कोई कंट्री है जिसने 5 मेडल्स जीते, अब चाहे उन 5 में से गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, ये मैटर नहीं करता। जो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स होते हैं उसे कहा जाता है मेडल टैली। क्लियर? तो सवाल हमसे ही पूछ रहा है कि इस मेडल टैली की लिस्ट में, मतलब किसने कितने ज्यादा जीते, किसने कितने कम जीते मेडल्स, इस लिस्ट में इंडिया कौन सी रैंक पर है और किस कंट्री ने इस टैली की, इस मेडल टैली की लिस्ट को टॉप किया है, और उस टॉप मोस्ट कंट्री के पास है टोटल 16 मेडल्स। हमारे पास यहाँ 5 ऑप्शंस हैं। फिफ्थ कजाकिस्तान, मतलब इंडिया जो है फिफ्थ पोजीशन पर रही है इस मेडल टैली के, और जो टॉप कंट्री है वो है कजाकिस्तान। फोर्थ जापान, थर्ड ईरान, फिफ्थ चाइना या फिर थर्ड जापान। चलिए पहले देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा फिफ्थ चाइना, मतलब जो अभी 11th एडिशन हुआ था एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का, इसमें 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला है इंडिया को। क्लियर है? 4 मेडल मिले टोटल, और इन 4 मेडल्स के साथ इंडिया हमारी मेडल टैली के लिस्ट में फिफ्थ पोजीशन पर आई है। और टॉप किसने किया है? चाइना ने। चाइना को मिले हैं टोटल 16 मेडल्स। इसमें मैं आपको बताऊंगी कितने गोल्ड मिले हैं, कितने सिल्वर मेडल्स मिले हैं चाइना को। चलिए पहले कुछ स्टडी पॉइंट जान लेते हैं। यहाँ पे वी हैव कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के हमारे पास कैपिटल है फ्रेंड्स, कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। यहाँ पे कजाकिस्तानी तेंगे करेंसी है ये कजाकिस्तान की, कजाकिस्तानी तेंगे। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? कजाक लैंग्वेज प्रयोग में लाई जाती है कजाकिस्तान में। और करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है कजाकिस्तान के? ओल्जस बेक्तिनोव। ओल्जस बेक्तिनोव करंट प्राइम मिनिस्टर है कजाकिस्तान के। देन वी हैव जापान। जापान की कैपिटल है हमारी टोक्यो। करेंसी प्रयोग में लाई जाती है जापानी येन। लैंग्वेज बोली जाती है जापान। और करंट पीएम कौन है जापान के? करंट पीएम है हमारे पास जापान के, गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो करंट प्राइम मिनिस्टर है जापान के फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा। क्लियर? देन वी हैव चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग।
चाइनीज युआन करेंसी है चाइना की। भाषा कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? मैंड्रिन भाषा बोली जाती है चाइना में। और करंट प्रेसिडेंट कौन है चाइना की? जी जिनपिंग। क्लियर। चलिए अब इस सवाल की कुछ एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सवाल हमसे सिंपली हमारा पूछ रहा था कि इंडिया की मेडल टैली में कौन सी रैंक रही। हमने बता दिया फिफ्थ रैंक रही। टॉप किया है इस टैली लिस्ट को चाइना ने। और इंडिया की इस फिफ्थ रैंक में इंडिया के 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला है। 11th एडिशन हुआ था हमारा एशियन इंडोर, यहाँ लिखा हुआ है एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 11th एडिशन था ये हमारा। और ये 17 से 19 फरवरी तक चले थे ये चैंपियनशिप। कहाँ पे हुआ था ये चैंपियनशिप हमारी हुई थी? आफताब, इंग्लब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आफताब, इंगलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ईरान। ईरान की कैपिटल तेहरान में। क्लियर। चाइना ने टॉप किया था और जैसा कि मैंने आपको बताया 16 मेडल्स मिले थे चाइना को, जिसमें से 8 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। क्लियर है ना। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे पूछ रहा है कि डैश बिकेम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू लॉन्च चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना CMJAY एंड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर ऑल। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी स्टेट है, इन 5 अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा मेघालय असम और मणिपुर में से कौन सी स्टेट है जो कि पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बनी है जिसने CMJAY योजना जो है हमारी CMJAY उसे लॉन्च किया है। ये क्या है? हमारी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर ऑल है। यूनिवर्सली जो भी इसके लाभार्थी हैं उन पे ये यूनिवर्सली कार्य करेगी, उन्हें लाभ प्रोवाइड करेगी सभी के लिए। इसमें कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई है। देखिए कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की बात हो चुकी है फ्रेंड्स, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, हम इसे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास यहाँ था त्रिपुरा जिसकी कैपिटल है अगरतला। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? बंगाली। और त्रिपुरी भाषा बंगाली और त्रिपुरी भाषा प्रयोग में लाई जाती है त्रिपुरा में। करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? मनिक साहा। मनिक साहा करंट चीफ मिनिस्टर है त्रिपुरा के। नेशनल पार्क फेमस कौन से हैं? बिसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। देन वी हैव मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। लैंग्वेज बोली जाती है खसी एंड गरो। फेमस फोक डांसेस कौन से हैं? मेघालय की बात हो रही है, फेमस फोक डांस कौन से हैं मेघालय के? लाहो, फेमस फोक डांस ऑफ मेघालय। चीफ मिनिस्टर कौन है मेघालय के करंट? कॉनरेड संगमा। कॉनरेड संगमा करंट सीएम है मेघालय के। देन फेमस नेशनल पार्क बाल पकरम नेशनल पार्क और नोक्रेक नेशनल पार्क। क्लियर। देन हमारे पास आता है असम। असम की कैपिटल है हमारी दिसपुर। बोली असोमिया भाषा प्रयोग में लाई जाती है। बिहू फेमस फोक डांस है असम का। करंट सीएम कौन है असम के? हिमांता बिस्वा शर्मा। फेमस नेशनल पार्क कौन से हैं असम के? काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मनस नेशनल पार्क। इतना क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा लास्ट ऑप्शन, दैट इज मणिपुर जिसकी कैपिटल है हमारी इम्फाल। लैंग्वेज बोली जाती है मैतेई भाषा। मैतेई MEITEI मैतेई भाषा। फेमस फोक डांस कहाँ का? मणिपुर का जगोई एंड चोलोम एंड रास लीला। करंट सीएम कौन है मणिपुर के? एन बीरेन सिंह। फेमस नेशनल पार्क कौन से हैं मणिपुर के? कैबुल लमजाओ। कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क एंड
सिरोही नेशनल पार्क। क्लियर। चलिए देखते हैं, हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ त्रिपुरा। मतलब त्रिपुरा जो है बनी है पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसने लॉन्च किया है सीएम जन आरोग्य योजना। अब देखिए ये योजना त्रिपुरा के जो करंट चीफ मिनिस्टर है मनिक साहा द्वारा लॉन्च की गई है, CMJAY। ये एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि सभी लाभार्थियों के लिए है, ओपन फॉर ऑल है, और इसके लॉन्च से त्रिपुरा बन गई है पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसने लॉन्च किया है इस स्कीम को, जो कि है स्पेशल यहाँ पे है कि ये एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है। और ये लॉन्च कहाँ किया गया था, एट इस स्कीम को कहाँ पहली बार लॉन्च किया गया, एट मेगा इवेंट हेल्ड इन, एक मेगा इवेंट हुआ था किस लोकेशन पे, नेताजी सुभाष विद्या निकेतन, जो कि अगरतला में है। नेताजी सुभाष विद्या निकेतन अगरतला में सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था इस स्कीम को। और ये क्या कार्य करेगी, देखिए ये बेनिफिट करेगी 4.15 लाख परिवारों को और उन्हें प्रोवाइड करेगी 5 लाख रुपए पर फैमिली प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत एनुअली, साल में एक बार। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द लोगो एंड वेब पोर्टल टू इंक्रीज द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि इन 5 ऑप्शंस में से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है लोगो और एक वेब पोर्टल, एक लोगो बनाया है और एक नया वेब पोर्टल खोला है जिससे कि जो डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वो बढ़ाई जा सके। मतलब डोमेस्टिक मतलब विद इन एरियाज में जो डिमांड है, डोमेस्टिक मतलब मैं, मेरे लिए डोमेस्टिक क्या है, मेरा परिवार, मेरे चारों ओर का एनवायरमेंट, और ग्लोबल मतलब ग्लोबली यूनिवर्सली जो डिमांड है इन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की उन्हें इंक्रीज किया जा सके। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला और वेस्ट बंगाल। देखिए यहाँ हमारे पास कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, बैंगलोर कन्नड़ बोली जाती है यहाँ पे बेसिकली, ठीक। और अगर आप पर्टिकुलरली बैंगलोर की बात करें तो आप उसे कहेंगे बैंगलोरी कन्नड़। फेमस फोक डांस कौन सा है कर्नाटका का, भरत नाट्यम फेमस फोक डांस है कर्नाटका का। करंट सीएम कौन है, सिद्रमई। सिद्रमई करंट चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के। और फेमस नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क। क्लियर। देन वी हैव आंध्र प्रदेश, जिसके बारे में बात लास्ट लास्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। बात करेंगे हम यहाँ तेलंगाना की, हैदराबाद कैपिटल है, तेलुगु भाषा प्रयोग में लाई जाती है। देन फेमस फोक डांस कौन सा है, लंबड़ी या फिर डप्पू, दो मोस्ट फेमस डांसेस है लंबड़ी या डप्पू। करेंट चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के रेवांत रेड्डी, मिस्टर रेवांत रेड्डी। देन वी हैव केरला, केरला की कैपिटल है फ्रेंड्स हमारी, केरलास कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम। करंट कैपिटल, मलयालम भाषा प्रयोग में लाई जाती है, वाइडली बोली जाती है केरला में मलयालम। फेमस फोक डांस कौन सा है केरला का, कथकली और मोहिनी यट्टम, कथकली एंड मोहिनी यट्टम। और चीफ मिनिस्टर कौन है केरला के, पिनरई विजयन। क्लियर। फेमस नेशनल पार्क्स, पेरियर नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये बोथ नेशनल पार्क्स के नाम। क्लियर। देन हमारे पास आता है क्या, वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, लैंग्वेज बोली जाती है वाइडली बंगाली। फेमस फोक डांस कौन सा है, फेमस फोक डांस है वेस्ट बंगाल का गंभीरा या बॉल डांस, बॉल नहीं है बॉल, BAUL। और सीएम कौन है यहाँ की, ममता बनर्जी, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। फेमस नेशनल पार्क्स
सुंदरबन नेशनल पार्क एंड गोरुमारा नेशनल पार्क। देखिए यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है केरला, मतलब केरला ने रिसेंटली जो लोगो है और एक वेब पोर्टल है उसे लॉन्च किया गया है ताकि जो डिमांड है उसे बढ़ाया जा सके, किसकी जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड को बढ़ाया जा सके। देखिए यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है पी राजीवी का। पी राजीवी कौन है? ये है मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज लॉ एंड कॉयर, गवर्नमेंट ऑफ केरला के स्टेट मिनिस्टर है ये। किसके? इंडस्ट्रीज लॉ एंड कॉयर के। इनके द्वारा लॉन्च किया गया है जो लोगो एंड वेब पोर्टल है केरला ब्रांड का, केरला ब्रांड का। और इसके आधार पे क्या होगा? जो डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वो बढ़ जाएगी। हम पहले पढ़ चुके हैं इस लोगो को क्या नाम दिया गया है, किस चीज का लोगो है ये लोगो है ननमा का। देखिए ननमा बेसिकली क्या होता है, मलयालम एक्सप्रेशन होता है एक प्रकार का जो कि शो करता है गुडनेस। गुडनेस शो करने के लिए एक मलयालम एक्सप्रेशन यूज किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, ननमा। और लोगो भी है ननमा। देन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे उन पे, जितने भी मतलब प्रोडक्ट्स आएंगे इस वेब पोर्टल के अंतर्गत जो बेचे जाएंगे, जिनको सेल किया जाएगा, उन सभी पे जो लोगो लगाया जाएगा, प्रिंटिंग की जाएगी मेड इन केरला की, उन्हें डिफरेंट बनाने के लिए और ये शो करने के लिए कि केरला में बनाए गए। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। थोड़ा सा लेंदी है पढ़ने में बट हम इसे इजी बना देंगे आपके लिए। तो ये सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। सवाल हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पीएम नरेंद्र मोदी विजिट टू हरियाणा एंड राजस्थान इन फरवरी 2024। देखिए रिसेंटली फरवरी 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने विजिट की थी हरियाणा और राजस्थान में। ये सवाल भी हमारा उसी विजिट के बारे में है और हमसे इतना सा पूछ रहा है कि इन तीन ऑप्शंस में से क्या सारे ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन सही है, कोई दो ऑप्शन सही है, पेयर वाइज। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ड्यूरिंग द विजिट टू हरियाणा द पीएम डेडिकेटेड टू द नेशन एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन ₹9,750 करोड़ इन रेवाड़ी हरियाणा। पहला सवाल जिसका जो पहला पॉइंट हमारे सवाल का वो ये है कि अपनी इस विजिट में पीएम जी ने खुद को नेशन के लिए डेडिकेट करते हुए अपनी स्पीच के दौरान ये बताया और जो फाउंडेशन स्टोन है मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वो रखा जिसका टोटल वर्थ है 9,750 करोड़। सर ये फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखा गया है? रेवाड़ी हरियाणा में। अब देखिए ये जो मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे, हेल्थ रिलेटेड, एंटरटेनमेंट रिलेटेड, लेदर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी हैं। और इस प्रोजेक्ट के बारे में हम अपनी लास्ट हमारे जो प्रीवियस सेशन है उसमें बात कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट हमसे पूछ रहा है कि द पीएम इनॉग्रेटेड द गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विद अ टोटल लेंथ ऑफ 28.5 किलोमीटर एस्टिमेटेड एट ₹5,450 करोड़। सेकेंड पॉइंट ये है कि क्या पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी इनॉग्रेट किया था जिसकी टोटल लेंथ 28.5 किलोमीटर है और टोटल जो बजट है ₹5,450 करोड़ का है। थर्ड ऑप्शन है कि क्या प्राइम मिनिस्टर राजस्थान में विकसित भारत विकसित राजस्थान प्रोग्राम को भी अटेंड करने गए थे और वहां पे उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा जो कि मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे। इन मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे वर्थ है 17,000 करोड़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया है ये या नहीं। तो यहाँ हमारे पास फाइव ऑप्शन है, ओनली ए, ओनली ए एंड बी, ओनली बी एंड सी, ओनली ए एंड सी एंड ऑल ए बी सी। चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ए बी सी। इसका मतलब क्या है? जब पीएम मोदी अपनी विजिट के लिए गए थे हरियाणा और राजस्थान फरवरी 2024 में, तो उन्होंने नेशन को डेडिकेट करते हुए अपनी स्पीच देते हुए ये बताया कि वो फाउंडेशन स्टोन रखेंगे जो मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसका। देन उन्होंने गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी इनॉग्रेट कर दिया जिसकी टोटल लेंथ 28.5 किलोमीटर है, टोटल बजट 5,450 करोड़ है। इसके साथ साथ उन्होंने विकसित भारत विकसित राजस्थान प्रोग्राम को भी अटेंड किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, फाउंडेशन स्टोन रखा है मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। ये तीनों ही सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 10,000 करोड़
टू हाउ मच करो टू एनहेंस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज एंड फुलफिल इट्स मैंडेट इफेक्टिवली। सवाल हमसे पूछ रहा है कि हमारी भारत सरकार ने, देखिए जितना भी कैपिटल मतलब जितना भी पैसा दिया जाता है सालाना तौर पे एफसीआई को, जो कि हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो पहले दिया जाता था सालाना 10,000 करोड़ प्रोवाइड किए जाते थे एफसीआई को अपनी वर्किंग के लिए। अब इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है, इस पैसे को कैपिटल को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, सो दैट एफसीआई जो भी अपनी ऑपरेशन है, जो भी डिफरेंट वर्क करती है, उनको उतनी ही कैपेबिलिटी से अच्छे से कर सके और फुलफिल कर सके जितने भी मैंडेट्स हैं उन सभी को। अब देखिए फुलफिल मैंडेट्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके अंडर एफसीआई को वर्क करना है, कुछ वर्किंग्स होती हैं जिसके अंडर एफसीआई को वर्क करना है, जैसे कि ये फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती है, किसमें अलग अलग जो वेलफेयर स्कीम्स चलती है उसे फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है एफसीआई। तो इन सारे कार्य को करती रहे, बजट में भी रहे, पॉजिटिवली डेवलप होती रहे, इसलिए जो टोटल कैपिटल जितना ऑथराइज कैपिटल प्रोवाइड होता था वो बढ़ा दिया गया 10,000 से। ऑप्शन हमारे पास है कितना बढ़ाया गया, 15,000 करोड़, 21,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ या फिर 22,000 करोड़। चलिए देखते हैं हमारा सही जवाब, उसके बाद फर्दर बात करेंगे। तो 10,000 से बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है, 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़ कर दिया गया है, क्या जो ऑथराइज कैपिटल प्रोवाइड की जाती थी एफसीआई को सालाना तौर पे हमारी भारत सरकार द्वारा। क्लियर? अब देखिए एफसीआई करती क्या है, जो हमारी ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, क्या है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो प्रोक्योरमेंट करती है, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना, परचेज करती है फूड ग्रेन्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फूड ग्रेन्स खरीदती है फार्मर्स से, जिससे क्या होता है कि फार्मर्स को मैक्सिमम इंटरेस्ट दिया जा सकता है, और स्टॉक मेंटेन करने का काम करती है हमारी सरकार के, और अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स में अनाज को बांटती भी है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस के जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसको बढ़ा दिया गया है सो दैट इंटरेस्ट बर्डन ना पड़े एफसीआई की, मतलब एफसीआई पे सारी ऑपरेशंस करती भी रहे और एफसीआई पे किसी प्रकार का कोई बर्डन ना पड़े फार्मर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के लिए। इकोनॉमिक जो कॉस्ट एफसीआई की वो गिरे एंड गवर्नमेंट सब्सिडी को पॉजिटिवली अफेक्ट मिलता रहे, मतलब जो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है उसको पॉजिटिवली इंक्रीज मिलता रहे। क्लियर? अब देखिए एफसीआई किसके अंडर काम करती है, हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काम करती है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत, जिसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंतर काम करती है हमारी एफसीआई, और इसके करंट यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, मिस्टर पीयूष गोयल करंट हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंतर्गत हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काम करती है। अब हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सेटअप कब किया गया था, पहली बार 1965 में सेटअप किया गया था। इसके जो प्रीवियस हेडक्वार्टर थे, जो सबसे पहला इसका हेडक्वार्टर था वो था चेन्नई में, जिसे कि उठा के कहाँ रख दिया गया, कहाँ बना दिया गया नया हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में। एफसीआई के हेड का क्या नाम है, अशोक कुमार मीना, AKM से याद रखिए, अशोक कुमार मीना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पूछा जाता है। देन वी हैव मनोज तिवारी हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही इज फ्रॉम विच स्टेट। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि मनोज तिवारी ने अनाउंस कर दिया गया है, कर दिया है कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से, क्रिकेट की जितनी भी फॉर्म्स हैं उन सभी से, ये किस स्टेट के हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये। तो हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में त्रिपुरा की बात कर चुके हैं, वेस्ट बंगाल की बात कर चुके हैं, असम, कर्नाटका, इन चारों के हम स्टैटिक पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, विच इज वेरी गुड। यहाँ हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है दैट इज रायपुर, बोली कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती है, छत्तीसगढ़ी भाषा प्रयोग में लाई जाती है। फेमस फोक डांस कौन से हैं छत्तीसगढ़ के, पंथी, रॉट नाचा एंड कर्मा। करंट चीफ मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ के, विष्णु देव साई। फेमस नेशनल पार्क्स कौन से हैं छत्तीसगढ़ के, गुरु,
घसीदास नेशनल पार्क एंड इंद्रावती नेशनल पार्क। क्लियर है ना? चलिए देख लेते हैं। मनोज तिवारी जिन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट कह दिया है कि अनाउंस कर दिया उन्होंने कि रिटायरमेंट ले लेंगे क्रिकेट के सारी फॉर्म से, ये बिलोंग करती है हमारी वेस्ट बंगाल। क्लियर? करेक्ट ऑप्शन इज वेस्ट बंगाल। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शशि थरूर वॉज कॉन्फर्ड विच कंट्री हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, चेवेलियर डी लीजियन डी ऑनर इन फेब्रवरी 2024। शशि थरूर तो सभी जानते होंगे, शशि थरूर ने रिसेंटली कन्फर किया है किस कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है इन्हें, चेवेलियर डी लीजियन डी ऑनर कब, फरवरी 2024 में, फ्रांस रशिया यूके यूएसए या फिर कनाडा। चलिए पहले स्टैटिक पॉइंट्स जान लेते हैं कुछ। फ्रांस की कैपिटल है हमारे पास पेरिस, भाषा प्रयोग में लाई जाती है फ्रेंच, यूरो करंट करेंसी है फ्रांस की यूरो, पीएम की पोस्ट पे कौन सर्व कर रहा है, गैब्रियल अटल। ठीक है, फ्रांस के बारे में हमने लास्ट सेशन में भी आपको स्टैटिक पॉइंट्स बता चुके हैं, बट हम हर सेशन में रिपीट करते रहते हैं सो दैट आपको इस कदर मगप हो जाएं ये सारे स्टैटिक पॉइंट्स कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको सिंगल रिवीजन ही बेनिफिशियल रहे, बार बार आपको रिवाइज ना करना पड़े। तो आगे बढ़ते हैं, फ्रांस के बारे में बात हम कर चुके हैं। देन हमारे पास आता है रशिया, रशिया कैपिटल इज मॉस्को, बोली बोली जाती है रशियन भाषा प्रयोग में लाई जाती है, और करेंसी कौन सी है रशियन रूबल रशिया की। देन करंट पीएम कौन है रशिया के, इनका नाम भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, मिखेल मिसुस्तिन। क्लियर? देन वी हैव यूएसए, यूएसए की कैपिटल है फ्रेंड्स वॉशिंगटन डीसी, लैंग्वेज बोली जाती है इंग्लिश, और यूएस डॉलर जो है करेंसी प्रयोग में लाई जाती है यूएसए में। प्रेसिडेंट कौन है यूएसए के, जो बाइडन। क्लियर? इसके बाद हमारा एक बचता है पॉइंट ऑप्शन सी यूके। यूके की हमारी कैपिटल है लंदन, भाषा प्रयोग में ले जाती है इंग्लिश, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, करंट प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, फील प्राउड वेन एवर आई हियर हिज नेम ऋषि सुनक। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है कनाडा, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, फ्रेंच एंड इंग्लिश भाषा प्रयोग में लाई जाती है कनाडा में, मोस्टली वाइडली स्पीकिंग जो भाषा है कनाडा की दैट इज फ्रेंच एंड इंग्लिश, कैनेडियन कैनेडियन डॉलर करेंसी है कनाडा की, और करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है कनाडा के, जस्टिन ट्रूडो। क्लियर? करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। क्लियर है? तो अब देख लेते हैं शशि थरूर जी को जो ये हाईएस्ट सिविलियन ऑफ ऑनर दिया गया है किस कंट्री से मिला है, दैट इज फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब इसमें एक और पॉइंट आपके लिए ऐड होता है कि चिवेलियर डी ला लेजियन डी ऑनर नाम का जो ऑनर है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उस पर्टिकुलर कंट्री का, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, दैट इज फ्रांस। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंड्रियास ब्रेमे पास अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 63, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। देखिए एंड्रियास ब्रेमे बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी थे, हमसे सवाल पूछ रहा है कि इनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है, 63 की एज थी इनकी मृत्यु के टाइम पर, और किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, हॉकी टेनिस बैडमिंटन फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो आर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज फुटबॉल, अर्थात एंड्रियास ब्रेमे जिन्हें रिसेंटली जिनकी मृत्यु हुई है, पास अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 63, ये बिलोंग करते थे फुटबॉल से। क्लियर? तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था, एंड लाइक आई ऑलवेज से अच्छे से पढ़ाई करिए और डोंट वेस्ट योर टाइम। सी देयर आर टू ऑप्शंस व्हिच वी आर प्रोवाइडेड विद, हमें हमेशा दो ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, या तो हम मोटिवेटेड रह सकते हैं या हम रिग्रेसली पढ़ाई कर सकते हैं।
मोटिवेशन आपको वीक में एक बार आएगी, आप एक दिन अच्छे से वर्क करेंगे, बट रेस्ट ऑफ द डेज आप उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप रिग्रेसली पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली अपने लिए प्रोग्रेस ला रहे हैं अपनी स्टडीज में, देन वन डे यू विल डेफिनेटली बी सक्सीडिंग। तो विद दिस पॉजिटिव थॉट आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। साइनिंग ऑफ प्रज्ञा दिस साइड, थैंक यू एवरीवन, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे, एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और हमारे चैनल बैंकिंग ड्रीम से जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन।